हेलो बच्चों, आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ पॉइंट पोटेंशियल मेथड। तो ये जो पॉइंट पोटेंशियल मेथड है, हम उसको डिस्कशन करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक कॉपी और एक पेन लेकर ज़रूर बैठें। कहता है पॉइंट पोटेंशियल मेथड जो है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत से न्यूमेरिकल्स हैं। इन न्यूमेरिकल्स को करने के लिए आपके पास सबसे पहले तो क्या है कि एक पेन और एक रजिस्टर ज़रूर होना चाहिए कि सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। तो देखिए, मेरा जो टॉपिक है दैट इज़ पॉइंट पोटेंशियल मेथड। बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। आपको क्या होना चाहिए, आपको कंसेप्ट की नॉलेज आनी चाहिए। तो देखिए, तो ये कहता है कि अगर मान लिया जाए ये रजिस्टर्स हैं और वो ऐसे कनेक्टेड है, क्लियर। अब यहाँ पर जो है एक और रजिस्टर है, दिस इज आर वन आर टू एंड दिस इज योर आर थ्री, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, ओके। अब देखिए, यहाँ पर एक वायर है जो मैंने ऐसे कनेक्ट करी है और यहाँ पर एक वायर है जो मैंने ऐसे कनेक्ट कर दी है। तो बेटा, यहाँ पर इस पॉइंट का ये वायर नंबर डब्ल्यू वन है और दिस इज वायर नंबर डब्ल्यू टू, ओके। अब यहाँ पर जो वायर वन है, तो मैंने वायर वन के लिए जो पॉइंट प्लॉट करे हैं दैट इज वन, एंड दिस इज वायर नंबर टू, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, टू पॉइंट, ओके। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर ए है, फिर यहाँ पर कहीं वन आ रहा है, फिर मुझे टू नजर आ रहा है, वन टू को मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, दिस इज पॉइंट बी। अब सबसे पहले बेटा ए से लेकर वन तक, ए से लेकर वन तक कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब वन से लेकर टू में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, दिस इज रेजिस्टेंस आर वन। अब टू से लेकर वन तक के बीच में क्या लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस आर टू। तो यहां से लेकर वन तक के बीच में कौन सा लगा है बेटा, एक रेजिस्टेंस आर टू। अब वन से लेकर टू के बीच में कौन है, एक रेजिस्टेंस आर थ्री है। तो ये ऐसे कनेक्ट हो गए। अब देखिए, टू के बाद क्या है, बी पॉइंट है, तो दिस इज पॉइंट थ्री, तो ए बी। अब आपको पता चल गया तीनों रजिस्टर्स कैसे लगे हुए हैं, दैट इज पैरेलल में लगे हुए हैं। तो ये रजिस्टेंस आर वन, तो ये क्या हो गया, आर थ्री। तो वन अपॉन आर ए बी इक्वल्स टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, ओके। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड। अब ये हमारे सामने एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल दे रखा है, कहता है कि आर वन आर टू आर थ्री आर फोर एंड आर फाइव कनेक्टेड है और यहां पर वायरिंग हो रखी है, दैट इज वायर डब्ल्यू वन, दिस इज वायर नंबर डब्ल्यू टू एंड दिस इज वायर नंबर डब्ल्यू थ्री। तो हमारा काम क्या होना चाहिए, सबसे पहले यहां पर नंबरिंग करते हैं। तो बेटा, ये पॉइंट ए है, तो वायर वन के लिए मैंने नंबर डाले वन, इसको मैंने सर्कल में लिख दिया। अब यहाँ पर वायर नंबर टू है, तो ये इसलिए मैंने यहाँ पर सर्कल में टू पॉइंट लिख दिया है। अब यहाँ पर एक वायर लगी हुई है, तो ये कौन सी वायर है, ये थ्री नंबर की है, तो यहाँ पर पॉइंट नंबर थ्री डाल देते हैं। आई होप क्लियर होता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, सबसे पहले क्या है बेटा, पॉइंट ए, ठीक है, फिर वन लिखा है, फिर यहाँ पर टू लिखा है, फिर थ्री है, एंड दैट लास्ट इज इक्वल टू बी। तो बी को तो मैं जस्ट बी लिखता हूँ। अब ए से लेकर वन तक में, ए से लेकर वन तक में जस्ट एक सिंगल वायर है, तो मैंने यहां डाल दिया ए पॉइंट। अब वन से लेकर टू में बेटा एक रेजिस्टेंस आर वन है, तो यहां वन से लेकर टू में एक रेजिस्टेंस है जिसका नाम है आर वन। अब देखिए, टू से लेकर वन तक के बीच में रेजिस्टेंस आर टू है, तो बेटा यहां पर टू से लेकर वन तक के बीच में कौन है, रेजिस्टेंस आर टू, ठीक है। अब वन से लेकर टू के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है, दिस इज आर थ्री। तो अब दोबारा वन से लेकर टू के बीच में मैंने क्या बना दिया, रेजिस्टेंस आर थ्री ड्रॉ कर दिया, क्लियर। अब थ्री से लेकर, अब ये पॉइंट टू है और ये पॉइंट थ्री है, तो टू और थ्री के बीच में दो रजिस्टर्स है, कौन, आर फोर एंड आर फाइव। अब ये पॉइंट टू है, टू से लेकर थ्री के बीच में कौन लगा हुआ है, एक आर फोर लगा हुआ है एंड दिस इज आर फाइव, ओके। तो ये पॉइंट हो गया बेटा आर फोर और ये पॉइंट हो गया आपका रजिस्टेंस आर फाइव, दिस इज पॉइंट। अब थ्री के बाद क्या है, पॉइंट बी है, अब तो कर दोगे। तो बेटा इन तीनों का पैरेलल में आएगा, फिर इन दोनों का पैरेलल में आएगा, फिर लास्ट में एक सीरीज में निकलेगा। तो इसका जो लास्ट होगा, दिस इज इक्वल्स टू ए, इस रेजिस्टेंस का नाम हो जाएगा आर वन टू थ्री एंड दिस इज रेजिस्टेंस आर फोर फाइव और दिस इज पॉइंट बी। अब बेटा ये सीरीज में लगे हुए हैं, सीरीज के लिए आप क्या लिखेंगे, आर ऑफ ए बी इक्वल्स टू आर वन टू थ्री प्लस आर ऑफ फोर फाइव। तो बेटा ये थे पॉइंट पोटेंशियल से रिलेटेड
इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ये आपके पेपर में आ सकते हैं। रिक्वेस्ट है अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है प्लीज कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू वेरी मच।